अध्याय 14 जैविक प्रक्रियाएं प्रजनन वृद्धि और परिवर्धन लाइफ प्रोसेसेस रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। आपने यह भी जाना था कि जंतुओं के अनिषेचित अंडे और पौधों के अंडाणु दोनों एक कोशिका हैं। पिछली कक्षाओं में आपने बीज बनने की प्रक्रिया का अध्ययन भी किया है। आपने शायद कभी न कभी एक निषेचित अंडे से पूरा जंतु और एक बीज से पौधा उगते देखा होगा। यदि अनिषेचित अंडा एक कोशिका है, क्या निषेचित अंडों में एक से अधिक कोशिकाएं होगी? क्या बीज भी कई कोशिकाओं का बना होता है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब तक प्रजनन की प्रक्रिया से बने निषेचित अंडे में विभाजन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, यह एक कोशिकीय अवस्था में ही रहता है। मनुष्यों में निषेचन के लगभग 2 से 30 घंटे में माँ मादा के गर्भ में अंडा विभाजित होने लगता है। मुर्गी के अंडे में विभाजन की प्रक्रिया निषेचन के लगभग 3 घंटे में होती है एवं कई पुष्पीय पौधों में निषेचन के लगभग 24 घंटे में अंडे का विभाजन शुरू होता है। अंडे में विभाजन की प्रक्रिया के शुरू होने के लिए क्या निषेचन की कोई भूमिका है? प्रजनन के लिए क्या नर और मादा जीवों का होना अनिवार्य है? प्रजनन की प्रक्रिया से क्या हूबहू जनक जैसी संतानें उत्पन्न होती है? क्या प्रजनन जीव के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है? क्या प्रजनन योग्य बनने में वृद्धि और परिवर्धन की कोई भूमिका है? आइए इस अध्याय में प्रजनन व उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं के अध्ययन से इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और परिवर्धन जैसी जैविक प्रक्रियाएं जरूरी है। प्रजनन ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। प्रजनन की अनिवार्यता का संबंध जीवों के जीवित रहने से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु किसी भी प्रजाति के अस्तित्व के लिए उस प्रजाति के जीवों में प्रजनन की क्षमता होना अनिवार्य है। इन सभी जैविक प्रक्रियाओं का आपस में नियंत्रण एवं समन्वय जरूरी है। आइए हम ऐसी संरचनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन मुख्य रूप से मनुष्य व पौधों में करें जो प्रजनन वृद्धि व परिवर्धन से जुड़े हों। 14.1 मनुष्य में प्रजनन वृद्धि और परिवर्धन। मनुष्यों में नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग पहचाना जा सकता है। ऐसा ही कई अन्य जीवों में भी होता है। आइए प्रजनन में नर और मादा की भूमिका को समझने का प्रयास करें। 14.1.1 प्रजनन नर और मादा की भूमिका। निषेचन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे के शरीर के संगठन व संपूर्ण विकास में मनुष्य नर और मादा की भूमिका होती है। प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की भूमिका होती है लैंगिक प्रजनन कहलाती है। मनुष्य का जीवन एक कोशिका से शुरू होता है। इस कोशिका की संरचना और कार्य के बारे में कई सालों से लोगों में कौतूहल बना रहा। लोगों के मन में कुछ इस प्रकार के सवाल थे, क्या मनुष्य की प्रजनन संबंधी कोशिकाओं में एक छोटा मनुष्य पहले से ही है? क्या मनुष्य बनने के सभी कारक नर से आते हैं और मादा में सिर्फ बच्चे बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है? हजारों सालों से लोगों में इन सवालों पर मतभेद बना रहा। 17वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने अंडे को ही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना, पर सवाल यह था कि नर जीव या नर जनन कोशिका की क्या भूमिका होगी? सूक्ष्मदर्शी के विकास से जब कोशिकाओं का गहराई से अवलोकन होने लगा तो उनमें कोई छोटा मनुष्य नजर नहीं आया, बल्कि यह देखा गया कि नर जनन कोशिका पूंछ वाली छोटी सी संरचना होती है जिसमें केंद्रक एवं बहुत कम मात्रा में खाद्य संसाधन होते हैं। मादा जनन कोशिकाएं बड़ी होती है एवं उनमें केंद्रक और काफ़ी मात्रा में खाद्य संसाधन होते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक शिल्डन, शॉन और विरचाओ ने महज 200 साल पहले जनन कोशिकाओं के अध्ययन से इन बातों की पुष्टि हुई। उन्होंने नर और मादा जनन कोशिकाओं के केंद्रक के संयोजन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने सुझाया कि नर और मादा के जनन कोशिकाओं की एक जैसी भूमिका होती है क्योंकि यह दोनों कोशिकाएँ हैं। इन्हीं दिनों यह भी स्पष्ट हो रहा था कि इन्हीं कोशिकाओं के जरिए माता और पिता के लक्षण बच्चों तक पहुंचते हैं।
इन्हीं कोशिकाओं के केंद्रक में लक्षण के कुछ कारक होते हैं जिनके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक माता पिता के लक्षण पहुंचते हैं। इन कोशिकाओं को युग्मक गैमिट्स कहा गया। युग्मकों के संयोजन से बनी कोशिका को युग्मनज जायगोट कहा गया। युग्मनज में माता और पिता के जनन कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ एकत्रित होते हैं और एक नया केंद्रक बनता है। इसी केंद्रक में संतान के पूर्ण गठन का निर्देश होता है। युग्मनज बनने में नर और मादा की भूमिका हमें कई जीवों में नजर आती है। इस प्रकार के जीवों में नर या मादा के शरीर के गठन अलग अलग होते हैं या एक ही शरीर के अलग अलग हिस्सों में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, जैसा कि केचुआ, जोंक आदि। रीढ़ की हड्डी वाले प्रायः सभी जीव कुछ प्रकार के कीड़े मकोड़े जैसे टिड्डा, तितली, मधुमक्खी, केचुआ, घोंघा, सीप, पुष्पीय पौधे, काई, फर्न आदि में प्रजनन की प्रक्रिया में नर और मादा की अहम भूमिका होती है। प्रजनन की इस प्रक्रिया को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन जैसा कि जीवाणु, ईस्ट, कई पौधे, आलू, घास, गुलाब आदि में होता है। नर और मादा की भूमिका नहीं होती है। आइए मनुष्य के शरीर के गठन संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन से नर और मादा के शरीर गठन व जनन अंगों में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में समझने का प्रयास करें।